पूरे सनातनियों के लिए ऐसा दिन आ गया है जिसका सभी को इंतजार था, वो शुभ घड़ी आ गई है। आज राम जी अपने धाम पे पुण्य पधार रहे हैं। राम हमारे राजा राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने राजमहल में आज प्रवेश करने जा रहे हैं। तो आज के दिन बाहर निकलना चाहिए और इस रैली में सम्मिलित होना चाहिए। आज तो वो दिन है जो हमारे 500 साल के बाद हमारी कई पीढ़ी बीत गई इन्हें देखने के लिए। सारे राम में रखे हो लगातार राम जय श्री राम के नारे लगा रहे। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनी टाइम। एक तरफ अयोध्या में राम प्राण प्रतिष्ठा, खुशी में देखिए पूरा देश राम में है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं लगातार रैलियां निकलनी है, यात्रा निकलनी है और इस समय हम जिस यात्रा में मौजूद हैं वो शोभा यात्रा में जाके बात करूंगा लोगों को। एक तरफ अयोध्या में राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसी टाइम में देश भर में जगह जगह पे रैलियां निकलेंगी। आप क्या बोलना चाहेंगे इसमें? राम हमारे राजा राम 500 वर्ष के संघर्ष के बाद अपने राजमहल में आज प्रवेश करने जा रहे हैं, उसकी खुशी पूरे देश में क्या पूरे विश्व में उसकी खुशी है। उसी खुशी में राम राज्य शोभा यात्रा का आयोजन नोएडा वासियों की तरफ से किया जा रहा है, जिसमें पुलिस प्रशासन भी हमारे बड़े बड़े अधिकारी भी पूरा सहयोग कर रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कितनी विशाल भीड़ हमारे साथ राम भक्तों की है। कितनी संख्या होगी मिनिमम? कम से कम 10,000 की संख्या में हमारे राम भक्त इस रैली में है और पुलिस प्रशासन पूरा मुस्तैद, पूरी हमारी व्यवस्था में पुलिस प्रशासन का बहुत सहयोग हमारे बीच है। और इस राम राज्य शोभा यात्रा एक मिसाल के तौर पर नोएडा में देखी जा रही है, जिसके लिए पूरे 2 महीने से पूरे तन मन धन से पूरी समिति, पूरा परिषद, सनातन धर्म सेवा परिषद पूरा लगा हुआ है। बाकी सभी संगठन, पूरे समाज के युवा शक्ति हमारे साथ है। आप क्या कहेंगे, आज कितनी खुशी हो रही है इस शोभा यात्रा में मिलके? इतनी खुशी हो रही है कि जन्म में ऐसा लग रहा है कि हमारा बड़ा खुश नसीब है जो हमें राम के ऐसे शुभ अवसर पर हमारा जन्म और दर्शन हो रहे हैं। अच्छा, बहुत खुशी। अच्छा, अयोध्या जाने की सोच रही है क्या? बिल्कुल, 2 बार हुई आए हैं और इसको करने के बाद में अयोध्या भी जाएंगे। अयोध्या भी जाओगे? आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? जी बहुत ज्यादा खुशी है और बहुत भव्य तरीके से हम लोग यात्रा में चल रहे हैं और बहुत भीड़ काफी संख्या के साथ और पूरा मुस्तैद सुरक्षा बलों के साथ हम लोग चल रहे हैं और हमें इतनी खुशी है कि 500 साल के बाद इतनी बड़ी खुशी मिल रही है कि इसका लाजवाब कोई बता नहीं। कुछ लोग तो घर में भी बैठे हुए हैं आज के टाइम, उन्हें तो आज के दिन बाहर निकलना चाहिए और इस रैली में सम्मिलित होना चाहिए। आज तो वो दिन है जो हमारे 500 साल के बाद हमारी कई पीढ़ी बीत गई इन्हें देखने के लिए। आज हम वो देख रहे हैं तो उन्हें घर से बाहर निकल के इस चीज को मनाना चाहिए। जो लोग घर पे है वो भी हमारे ही हैं और वो घर पे पूजा भी कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने अयोध्या जाने के लिए भी इनकार कर दिया। वो उनका अपना वो है। क्या कह रहे हैं बताइए। आओ ये सब भव्य हमारा देखो, कितना बड़ा दृश्य है, आप देख के इसको भी सीखो, कुछ तो सीख लो। इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई जातिवाद नहीं, आप भी आओ इसमें शामिल होकर उत्साह से हमारे प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा में मिलकर भाग लो। हम सबसे यही कहना चाहते हैं, हजारों हजारों समझे घर से निकल के भाग लो, ये दृश्य को भव्य बनाओ, जय श्री राम। अच्छा चलिए, मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। वैसे संख्या तो काफी है नाचते हुए गाते हुए और राम नाम के नारे लगाते हुए, भगवान राम के श्री राम के नारे लगाते हुए लगातार अयोध्या आ रहे हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी, अपार खुशी हो रही है इसमें। इससे बड़ा दिन हिंदू धर्म के लिए नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही अच्छा है। राम प्राण प्रतिष्ठा भी मोदी जी ने वहाँ शुरू कर दी होगी और इस समय यहाँ पे भी सब कुछ हो रहा है, आप सब देश देश में रैलियाँ निकलनी है, तो लोगों को क्या क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अभी घर में जो रैलियों में नहीं शामिल हो पा रहे, यात्राओं में नहीं शामिल हो पा रहे, अपने घर में शांतिपूर्वक पूजा करें, अपने भगवान को माने, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया करें, नॉर्मल जैसे घर में पूजा करते हैं, पर आज के दिन जरूर करें, मैं तो ये कहूँ। शाम को दिए वगैरह, दीपावली शाम को, दीपावली तो आज है ही हमारे लिए। अच्छा। दूसरी दीपावली है हमारे यहाँ, सभी शाम को दिए जलाएंगे। जलाएंगे, बिल्कुल। चलिए मैं रैली में शामिल होता हूँ दोबारा, उस तरफ चलते हैं थोड़ा रैली बातों में पीछे। अगर मैं रैली की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँ तो सारे भक्त जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो लगातार यहाँ पे नारे लगाते हुए चलते जा रहे हैं और गानों के साथ बजानों के साथ, और यहाँ पर युवा शक्ति श्री राम के पट्टों में लगातार यहाँ पे नाचते हुए नजर आ रही है। देख सकते हैं फुल मगन हो रही है। मैं महिला शक्ति से भी बात करना चाहूँगा, लगातार आगे जाना चाहूँगा, थोड़ा निकलूँगा यहाँ से आगे, मैं आपको दिखाऊँगा। कुछ लोग बाइकों से भी, भैया जी रैली में शामिल होके पेट्रोल बहुत महंगा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है,
भाई, क्या कहूँ भाई, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा भाई। चलिए मैं देखता हूँ। जय श्री राम। चलिए लोग यहाँ पर बाइकों से भी एक जत्था जा रहा है जिसमें लोग बाइकों से रैली मनाते हुए जा रहे हैं यहाँ पे यात्रा में शामिल हो रहे हैं और यहाँ पे गानों के साथ बजानों के साथ जय श्री राम के गाने बजते जा रहे हैं। और यहाँ पर बजरंग बली का जो राम जी के हमेशा सेवक रहे हैं और राम जी की सेवा करते रहे हैं बजरंग बली के यहाँ पर रूप जाए करकर और उसके पीछे आप देख सकते हैं रथ यात्रा लगातार निकल रही है और यहाँ पर श्री राम और माता सीता बाकी पुलिस प्रशासन भी यहाँ बात करूँ तो मुस्तैक है और लगातार रैली को अच्छे से गुजारने के लिए यहाँ पे लगातार कोशिश की जा रही है। हमको मैं पूरी रैली दिखा रहा हूँ, काफी संख्या में यहाँ पे लोग इसमें मगन है, पटाखों के साथ और जोरदार धमाकों के साथ रामलला की रैली यहाँ पे मनाई जा रही है। मैं कुछ वॉलंटियर है यहाँ पे जिन चीजों को देख रहे हैं भैया की सब व्यवस्था सही चल रही है। हाँ जी भैया बिल्कुल, आप देख पा रहे हो कि कैसे अपना राइड में आराम से बिल्कुल शांति स्वास्थ्य। पुलिस प्रशासन का अगर बात करूँ सहयोग कर रहे हैं? हाँ पूरा सहयोग है, बस यही है कि कोई दंगा फसाद के उसकी वजह से प्रशासन हमारे साथ है, बाकी हमारा जो भी कर्तव्य है वो बहुत शांतिपूर्वक है, बहुत शांति तरीके से अपना कार्य को संपन्न करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है राम यात्रा में शामिल होके और यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी TTC लगी हुई है, बहुत अलर्ट है बाउंसर के साथ और हमारे ओनर सर भी हमारे साथ बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, किसी भी चीज़ और किसी भी हद तक लड़ने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हैं। ओके सर, बिल्कुल। जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पे अगर मैं पुलिस प्रशासन और वॉलंटियर की बात करूँ जो इसकी देख रेख कर रहे हैं तो उनका साफ कहना है कि बिल्कुल अच्छे से हम रैली कर रहे हैं। मैं आगे आगे ले चलता हूँ आपको। यहाँ पर अभी देख सकते हैं पूरी रैली और राम भव यात्रा यहाँ पर कहीं ना कहीं निकाली जा रही है और मैं और भी लोगों से बात करूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी शोभा यात्रा है, जय श्री राम और भव्य इसको विशाल बनाएंगे हम लोग। अच्छा कितने संख्या में लोग अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के? अच्छा, मैं इनसे भी बात करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे यात्रा शामिल होकर, कैसा लग रहा है? देखिए आज बड़े हर्ष की बात है के जिन जो लोग कहते थे ना कि तारीख नहीं बताएंगे, आज ऐसा पूरे सनातनियों के लिए ऐसा दिन आ गया है जिसका सभी को इंतजार था, वो शुभ घड़ी आ गई है। आज राम जी अपने धाम पे पुण्य पधार रहे हैं भव्य स्वरूप के साथ में और उन देशद्रोहियों को, उन राम द्रोहियों को एक बहुत बड़ा तमाचा लगा है जो कहते थे कि रामलला नहीं आएंगे। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी है जिनको निमंत्रण भी मिला अयोध्या जाने का लेकिन वो अयोध्या के लिए जाने के लिए मना कर दिया और बाकी नेता टिप्पणी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कह रहे हैं? देखिए उन लोगों की मानसिकता ही ऐसी है, वो मैंने बताया वो रामद्रोही है और वो राम को मानने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने निमंत्रण को ठुकराया है और ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। चलिए मैं आपसे पूछा जाऊंगा क्या कैसा लग रहा है यात्रा में शामिल होकर? बहुत अच्छा लग रहा है, राम में है, पूरा भारत राम में है। अच्छा आप बहुत, बहुत पूरा मैं क्या पूरा भारत राम में है और हमारे हमें आज 500 साल बाद हम आज हमारी आंखों के सामने प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, हमारे पूर्वजों ने कितना योगदान दिया था जो आज वो नहीं है, आज उनकी आत्मा कितनी प्रसन्न होंगी। चलिए मैं और भी चलता हूँ आगे, बात करता हूँ लोगों से। भैया जी कैसा लग रहा है यात्रा में? बहुत बढ़िया लग रहा है, मस्त है बिल्कुल, राम भक्ति में सब मस्त है, सब मस्त है बिल्कुल। कुछ लोग तो घर में भी बैठे हुए हैं जो मना कर रहे हैं जाने के लिए, सब घर पे तो बिल्कुल खुशी मना रहे हो, बस वही है कि थोड़ा सा वो वाली बात है, बाकी सब खुश है, सब कुछ है। क्या कहेंगे? देखिए प्रभु राम हम सभी सनातनों के जो आदर्श है और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अच्छा वो कह रहे हैं राजनीति करी जा रही है राम के नाम पे, काहे की राजनीति है? देखिए ना आज एकदम भगवा में हो गया है पूरे नोएडा को, पूरे देश को देख लीजिए आप, हर जगह भगवा में हो गया है, तो इसमें राजनीति कहाँ से आई? राजनीति नहीं है इसमें, कोई राजनीति नहीं है। प्रभु श्री राम सबके आराध्य है और प्रभु श्री राम को ही की वजह से आज पूरा देश भगवा में हो चुका है। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। भैया जी आप क्या? मैं क्या कहूँ, बस कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं है,
अच्छा, रैली रैली में यात्रा में शामिल होके और कैसा महसूस हो रहा है? बहुत मतलब अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत उत्साह है और कभी सोचा नहीं था कि जीवन में ये दिन देखने को मिलेगा। देशवासियों के लिए क्या मैसेज दे रहा? देशवासियों के लिए मैसेज है कि सभी लोग जब समय मिले समय अनुसार अपना अयोध्या जाएं और रामलला के दर्शन करें। चलिए, तो यही बात है कि भैया समय समय पर अयोध्या जाते हैं, क्योंकि ये भी कहना था कि अयोध्या में आज काफी संख्या में लोग आएंगे, तो आज के टाइम पे अपने अपने एरिया में आप यात्रा निकालिए, ना कि अयोध्या जाके वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सिक्योरिटी का बहुत बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होने के कारण वहाँ पर और ज्यादा भीड़ होने के कारण वहाँ पर लोग निकल। लेकिन मैं आपको नोएडा की तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर पूरा नोएडा राममय और का मैं तस्वीरों में पूरा देख सकते हैं, पीछे सारे राममय और क्यों लगातार राम जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। ऐसी यात्रा हम आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।